हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसमें जो है हम आपके लिए आज जो अगला डेरिवेशन हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति हो गया था निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक का बटन जो है इधर होगा, ठीक, आप स्क्रीन में अगर देख रहे तो अवश्य प्रेस करें। ठीक, इससे पता चलता है कितने लोगों को समझ में आया। देखिए, आज का जो टॉपिक हमने लिया है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो अच्छी स्थिति में हम लोग एक पढ़ चुके थे। ठीक, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले वही बेसिक सी चीज़ होती है कि इसमें जो है हम देखिए फिगर हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, फिगर का पहले डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद में जो है हम इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने सबसे पहले एक जो है इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल माने वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का सिरा ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश। ठीक, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे ही वैसे आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, उसका ए सिरा उस पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरा उस पर माइनस क्यू आवेश, और द्विध्रुव की जो अल्प लंबाई होती है या अल्प दूरी होती है वो 2L के इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक, यहाँ पर आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए बिंदु P पर इसमें क्या कंडीशन होती है, बिंदु P पर जो है इसके घटकों में इसको वियोजित कर देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, क्योंकि B बिंदु और A बिंदु के कारण या A बिंदु और B बिंदु के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ होंगी होंगी, क्लियर है। ठीक है, तो इसमें जो है इस बिंदु के कारण A बिंदु के कारण इंटेंसिटी जो होगी EA, ठीक है, और B बिंदु के कारण होगी EB, क्लियर है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके घटकों में बिंदु P पर जो इसके घटकों में वियोजित कर देते हैं। ठीक, अच्छी स्थिति में इसलिए नहीं किया गया था कि एक पैरेलल वो रखा था। ठीक है, ये जो होगा इसके घटकों में वियोजित किया जाएगा, और घटक कौन से होंगे, देखिए एक तो इसका लंबवत घटक होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, और एक इसका हॉरिजेंटल होगा अर्थात क्षैतिज घटक। ठीक, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये जो फिगर है, ठीक है, ये वाला फिगर, इसको यहाँ पर हम बताते हैं। ठीक, फिगर ये अलग इसलिए बना लिया ताकि यहाँ का जो फिगर होगा वो आपको समझ में आए। ठीक, क्लियर है, देखिएगा बिल्कुल बहुत कायदे समझिएगा और बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बिंदु P पर हम लोग जो है इसको घटकों में वियोजित कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या था इसका लंबवत घटक, तो दोनों को हम वियोजित कर रहे हैं ना, ए बिंदु के कारण और बी बिंदु के कारण जो भी इंटेंसिटी है तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र की। ठीक, तो इसमें लंबवत घटक में EA sin थीटा, ठीक, जो इसके लंबवत घटक होते हैं वो क्या लिया जाता है, साइन के रेशियो में लिया जाएगा। ठीक, तो ये EA sin थीटा, ठीक, और ये EB sin थीटा, ये दोनों जो है इसके क्या हो गए, लंबवत घटक हैं। ठीक, और देखिए बिंदु P पर जो है इसके जो क्षैतिज घटक होंगे हॉरिजेंटल, ठीक है, समांतर जिसको बोल सकते हैं, EA cos थीटा और EB cos थीटा, क्लियर है। और जो इसकी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E होगी, समझ रहे हैं कि नहीं। EA और EB दो जो है इसमें क्या थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं थी, और उसको लंबवत और क्षैतिज घटकों में क्या किया गया, वियोजित किया गया है, क्लियर है। ठीक है, तो इसका फिगर ये बन गया। ठीक, हिंदी कैसे लिखनी है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो लिखनी होगी, ड्रेसन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको जो है थोड़ा इसके बारे में लिखना पड़ेगा, फिगर के बारे में। ठीक, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं, जो हमने फिगर बनाया उसी के बारे में। माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, आवेश, तथा बी सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, द्विध्रुव की अल्प दूरी 2L है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपकी जो है हिंदी हो गई। ठीक, अब देखिए ये दूरी आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आई, ठीक है, ये भी इसका भी बताया दे रहे हैं, पूरी चीज़ क्लियर कर लो। ये माना गया है कि ये जो है जो यहाँ से बिंदु B से या बिंदु A से जो है ये इसमें एक एंगल बन रहा है, एंगल वो मान लिया गया, ये एंगल जो है कितना है, थीटा है। ठीक, जब थीटा एंगल माना गया तभी इसके जो है
इसके घटकों में वियोजित किया है, क्योंकि एंगल रेशियो जो होता है हमेशा एंगल के साथ आता है, ठीक है, कोण के साथ में, ठीक। तो ये जो दूरी आएगी वो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे, देखिए इधर का अगर लेंगे हम, इधर का, ठीक, ये एल हो गया, ये एल हो गया, क्यों, क्योंकि ये बीच का बिंदु है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि ये एल है, ये आर है, ठीक। अब पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि ये इसका जो है हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण हो गया, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक, लंब और आधार, ठीक। तो इसका जब निकालेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर भी निकालेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब जो है हम इसका जो है क्या करते हैं, यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए डेरिवेशन के लिए क्या करते हैं, आप देखिए इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे जैसे अच्छी स्थिति में बताया था एज इट इज, वैसे पहले क्या मानेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, हमने ई ए मानी क्योंकि बिंदु ए पर है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो देखिए क्या होगा इसमें, प्लस क्यू आवेश के कारण हमने जो है ए बिंदु पर है तो इसका ई ए मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी निकालो, ई ए, देखो फार्मूला वही लगेगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, कोई परावर्तितांक के भी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, माध्यम के लिए मान रहे हैं, ठीक है। निर्वात या वायु करोगे तो उसके लिए हटा देना, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू एक होती है, ठीक। और क्यू आवेश है तो क्यू, लेकिन दूरी देखो कितनी होगी, देखिए दोनों में दूरियाँ समान होंगी, बिंदु ए से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमको हमने आपको बताया, ठीक, ये बेसिक सी चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जाती है, अभी बताई थी, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी होगी, पूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। दिशा देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालते हैं तो इसमें दिशा जरूर लिखते हैं, ठीक है। तो दिशा इसकी होगी ए से पी की ओर, दिशा किधर होगी, ए से पी की ओर, ठीक है, ए से पी की ओर इसकी हो जाएगी दिशा, ठीक। अब देखिए इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, ई ए बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, दिशा हमने लिख दी, ठीक है, ये जो है इक्वेशन वन हो गई, ठीक। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण, बोलिए क्या होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण देखिए केवल जो है ई बी हो जाएगा, ठीक है, और बाकी तो वही रहेगा, क्यों, क्योंकि दूरियां समान हैं। तो ई बी बराबर कितना होगा, बोलिए वन अपान, अब ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम रहेगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। दिशा लिख लीजिए, दिशा इसकी उधर होगी, पी से बी की ओर, दिशा किधर होगी, पी से बी की ओर, ठीक, ये हो गई दिशा आपकी, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण दो, ठीक। अब देखिए ई ए और ई बी निकल आया, ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, चूंकि हमको बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक, बिंदु पी पर क्या है, बिंदु पी पर उसके लंबवत घटक भी हैं और उसके क्षैतिज घटक भी हैं। तो लंबवत घटक और क्षैतिज घटकों में क्या होगा, इसको एक बार सुन लीजिए, ठीक है, देख लीजिए यहाँ से, वो फिगर बनाया था, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे हमने वही वाला फिगर था, इसमें जो लंबवत घटक होंगे ई ए साइन थीटा, ठीक है, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा है कि नहीं, ठीक, वो किस डायरेक्शन में, ठीक, यहाँ पर जरा बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे देख लो यहाँ पर, ठीक, ये ई ए साइन थीटा है और ये क्या है, ई बी साइन थीटा, ठीक, और यहाँ पर बिंदु पी है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक, जब डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक, तो ये जो इसके लंबवत घटक होंगे ये है तुम्हारे, ठीक है, वर्टिकल जो है, ठीक है, तो ये जो है आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये बराबर हैं, ठीक, कोण बराबर है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी बराबर हैं, अभी तुमने निकाली है, ठीक।
तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, निरस्त करने में क्या होगा कि इसकी जो है डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर है। ठीक, लेकिन जो इसके हॉरिजेंटल हैं अर्थात जो क्षैतिज घटक हैं, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जो इनके परिमाण होंगे वो जुड़ जाएंगे, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, उसकी कुल नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएंगे। अब आपको इतनी हिंदी जो है आपको लिखनी पड़ेगी कि क्या, कि इसमें जो है ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा जो है क्या होंगे, परपेंडिकुलर हैं अर्थात एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः ये क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तथा ई बी ई ए कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे का डेरिवेशन देखते हैं। अब देखिए, चूँकि हमने बताया था कि ये जो ई ए कॉस थीटा, कौन सा ई ए कॉस थीटा और जो ई बी साइन थीटा, ए बी सॉरी कॉस थीटा होंगे, ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, और समान दिशा में यहाँ पर जो होगा, ठीक है, पीछे का फिगर जो बनाया था, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, इसके नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या निकलेगी, यहाँ पर कंडीशन ये निकलेगी कि ई बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा तो है कॉमन। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ई ए प्लस ई बी, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ई ए और ई बी की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके थे नहीं। अब देखो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक, हम एक ओरली इधर बनाए भी दे रहे हैं, देखो ये ऐसे बनाए ट्रायंगल यहाँ से। ठीक, चाहे उधर वाला ले लीजिए चाहे इधर वाला। ठीक, क्योंकि दोनों में दूरियाँ समान है। ठीक, ये वाली दूरियाँ समान है, ये आर भी समान है और नीचे भी। ठीक, चाहे इधर वाला ट्रायंगल लीजिए चाहे उधर वाला। ठीक, मान लो हमने ये ले लिया पी ओ बी, यहाँ पी है, यहाँ ओ है, यहाँ क्या है, बी है। ठीक, अब समझो ये दूरी कितनी है, ये वाली ये L है, ये कितनी है, ये पूरी R है, ये कितनी है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये तुम्हारा कोण है थीटा, समझना हो तुम्हारा। ठीक है, चूँकि देखिए मान किसका निकालना, कॉस थीटा का, सबसे पहली चीज़ ये है कि कोण है उसके सम्मुख भुजा जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगी कि नहीं, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो जाए, ये कर्ण हो गया। ठीक, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है L और कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने ये जो है एक साइड में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली कि कॉस थीटा बराबर कितना होगा, L स्क्वायर L अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब दोनों की वैल्यूज रख दीजिए। ठीक, दोनों की क्या, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक, वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करने पर क्या होगा, देखिएगा E बराबर ए ई ए की वैल्यू कितनी थी पीछे, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 1/4πε0k और कितने थे q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0k क्यू अपॉन में कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ये मल्टीप्लाई में होगी, ठीक है, एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से इतने क्यू और ये पूरा जो है यहाँ पर क्या होगा, ये जुड़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दो बार दिया गया है। ठीक है, तो दो बार दिया गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा बाहर आ जाएगा। तो ई बराबर क्या मिलेगा, E बराबर 1/4πε0k, देखिए यहाँ पर दो बार लिखा है। ठीक है, तो इसको जब ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 1/4πε0q/r² + l². ठीक है, ये लिख लिया, और इंटू में जो लिखा है उसको लिख लो, क्या लिखा है, l अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, पूरा ई बराबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2qL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2qL। ठीक, अपान में, अच्छा ये वाला 1/4πε0 जो है इसको जो है पहले लिख लो, 1/4πε0। ठीक, तो ये हमने लिख लिया 1/4πε0k। ठीक, अब देखिए ये 2qL अपान में,
यहाँ पर देखिए इसकी एक पावर है, इसकी पावर है 1/2, ठीक है, इसकी पावर एक है, ठीक, और इसकी पावर कितनी है, इसकी अगर लिखेंगे तो 1/2 रूट लगा है, ठीक है, तो एक और 1/2 अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है 2QL, ठीक है, तो हमको मालूम है कि जो वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण होता है, ठीक है, वो किसके कुल होता है, Q इंटू 2L, ठीक, उसके एक आवेश के परिमाण के और उसके बीच की अल्प दूरी के, ठीक, तो यहाँ पर तो आ जाएगा P, ठीक है, P आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पर, चूँकि जो R की वैल्यू होगी, ठीक है, जो R की वैल्यू होगी, जैसे पीछे बताई थी अच्छी स्थिति में कि R की वैल्यू जो होगी वो L की तुलना में क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, और R स्क्वायर और L स्क्वायर की तुलना में वो बहुत बड़ा हो जाएगा, अतः L का मान जो है वो नगण्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नगण्य, तो L को जो है नगण्य मान लेते हैं या लिख देते हैं छोड़ देने पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या होगी, ठीक है, तो E बराबर 1/4πε0kP/ में, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम चलिए पहले इसे लिख लेते हैं इसको, फिर अभी एक और बताते हैं अगली लाइन, एल आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, तो आप इधर आ जाइए, ठीक, या तो इसको मिटा ले दे रहे, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, अभी ये ऊपर वाला लिखा है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, देखिए इतना आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा जो है बड़ा है तो बोर्ड भी छोटा है, ठीक, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, और इसको जो है एक से दो बार देख लीजिएगा, पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में देखिए ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हमने बताई थी कि चूँकि R की जो वैल्यू होगी वो L से क्या होगी, बड़ी होगी, या यूँ कह सकते हैं कि R की तुलना में L का मान जो है छोटा है, ठीक है, तो इसलिए आर स्क्वायर जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, सॉरी एल स्क्वायर जो है बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर की तुलना में, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर लिख सकते हैं या नगण्य मानने पर, ठीक है, अतः एल स्क्वायर को नगण्य करने पर, नगण्य माने होता है जीरो के इक्वल, मतलब बहुत समथिंग हल्का, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको छोड़ देंगे तो देखिए क्या होगा, ई बराबर क्या बनेगा, 1/4πε0k, ठीक, यहाँ पर पी ऐसे लिखेंगे, ठीक, और हमने क्या किया, एल स्क्वायर को छोड़ दिया, ठीक, हम कह रहे हैं कि छोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2 ऐसे लिख सकते कि नहीं, 2 से 2 काट दो, काट दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ई बराबर 1/4πε0kP/ में आर क्यूब, ठीक है, तो इसका मात्रक लिख देंगे, मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, तो देखिए यही जो है अच्छी निरक्षीय स्थिति में क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज़ ये होगी कि इसमें अगर तुमको बताया जाए कि इसमें दिशा, ठीक है, अगर इसकी टोटल दिशा बताई जाए तो उसमें ऋणावेश से धनावेश होगी, इसमें क्या होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ठीक है, क्लियर है, तो ये तुम्हारी होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा बुक से मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, थोड़ा बोर्ड भी छोटा था, ठीक है, तो इसलिए डेरिवेशन बड़ा था, ठीक, तो आप जो इसको बोर्ड थोड़ा बुक से मैच कर लीजिएगा और वीडियो देख लीजिए, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।